अगर पीएम मोदी की कोई तस्वीर वायरल हो जाती है तो फिर खुद ही अब एक तस्वीर का इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और तो और अब जिस तस्वीर के सहारे पीएम मोदी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस तस्वीर की जो जोरों शोरों से वायरल हो रही है। अब इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसकी तुलना पीएम मोदी से करके उन पर तंज कसा है। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या कह दिया है पवन खेड़ा ने, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके से लोगों ने पवन खेड़ा को ट्रोल किया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो बारिश में भीगते हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं के बहाने पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी की एक तस्वीर को शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं, बारिश हो रही है और एक सुरक्षा कर्मी ने पीएम मोदी के छाता को पकड़ रखा है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा है, वो छाता लेकर रैली करते हैं, क्या मेकअप बह जाने से डरते हैं। अब इसी ट्वीट के बाद से जनता भड़क गई है और पवन खेड़ा को खूब सुना रही है और पीएम मोदी के सपोर्ट में आई है। जैसे एक यूजर ने पवन खेड़ा पर तंज कसते हुए लिखा है, बेकार की चीजों को ट्रोल करने और ट्वीट करने के अलावा आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते। दूसरे यूजर ने लिखा है, अब वो पीएम है, कोई कांग्रेस का बेरोजगार नेता नहीं। एक और यूजर ने लिखा है, हेलो अंकल, ये नौटंकी ज्यादा नहीं चलेगी, ये पब्लिक है, सब जानती है। एक और यूजर ने लिखा है, वो प्रधानमंत्री है, उनके तुलना हर बार एक अपनी पैतृक सीट हारकर दूसरी सीट से जीतने वाले सांसद से कैसे कर लेते हो। एक और यूजर ने लिखा है, अकल गई क्या भैंस चढ़ने, बारिश में छाता यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब पीएम मोदी पर निशाना साधना खुद पवन खेड़ा को ही भारी पड़ गया है, जहां उल्टा जनता उन्हीं को सुना रही है। अब इस तस्वीर के बारे में आपको बता देते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटका के मैसूर में भारी बारिश के बीच एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एकजुट करने से कोई हमें रोक नहीं सकता है। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। रुकेगी नहीं, जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी तूफान ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। और इस नदी में आपको नफरत हिंसा ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा। क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। आप जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री बीजेपी भ्रष्टाचार
कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, हर हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं, देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का एक नेता कमीशन नहीं दे पाया, उसने स्वयं आत्महत्या कर दी। और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कर्नाटका के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल सकता। नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पूरा का पूरा फायदा चुने हुए 2-3 बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ महंगाई। बीच में कर्नाटक और हिंदुस्तान की जनता, गरीब जनता पिस रही है। इसीलिए हमने भारत छोड़ो यात्रा शुरू की। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। और बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा के छोड़ेगी। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहां खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की याद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।